हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखेंगे एडन नाम के एक लड़के की कहानी जो मॉन्स्टर हंटर बनने के लिए बहुत स्ट्रगल करता है और अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए उसे एक खतरनाक प्राचीन ड्रैगन को मारना होगा। तो चलिए देखते हैं उसकी अमेजिंग स्टोरी को, और शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बात उस वक्त की है जब धरती पर इंसानों के साथ साथ मॉन्स्टर भी रहा करते थे और इन दोनों में अक्सर भयानक लड़ाइयाँ होती थी। इनका मुकाबला करने के लिए हंटर गिल्ड नाम का एक ग्रुप बनाया गया था जो ऐसे लड़कों को भर्ती करता था जो इन मॉन्स्टर से लड़ने की ताकत रखते थे, और हर लड़के का सपना होता था कि वो भी एक दिन इस ग्रुप का हंटर बन सके। तो मूवी के शुरू में हम ऐसे ही कुछ हंटर्स को देखते हैं जो सब एक वोल्केनिक मॉन्स्टर का शिकार करने जा रहे हैं, और इन्हें यकीन है कि वो इस मॉन्स्टर को जरूर मार डालेंगे। यही हम एडन नाम के एक और हंटर को देखते हैं जो चुपचाप उनकी सारी बातें सुन रहा था, और वो उन्हें वॉर्न करता है कि तुम लोग शायद उस मॉन्स्टर को हल्के में ले रहे हो, क्योंकि मैं पहले भी एक ऐसे ही एल्डर ड्रैगन से लड़ चुका हूँ। फिर वो उन्हें अपनी स्टोरी सुनाता है और सीन चेंज होकर एक फ्लैशबैक में पहुँच जाता है जहाँ हम एक यंग एडन को देखते हैं। एडन पहाड़ियों में बने एक छोटे से गांव में रहता है और उसका सपना है कि वो भी एक दिन एक फेमस मॉन्स्टर हंटर बन सके। गांव के लोग भी उसके ड्रीम को अच्छे से समझते हैं और कहते हैं कि अगर वो इसी तरह कोशिश करता रहा तो एक दिन कामयाब जरूर हो जाएगा। गांव में वो छोटे छोटे मॉन्स्टर्स का शिकार करता है ताकि टाइम आने पर हंटर गिल्ड को अपनी योग्यता साबित कर सके। एक दिन एक फार्मर उसे बताता है कि कोई मॉन्स्टर उनकी मेहनत को बर्बाद कर रहा है और उसने फेंस तोड़कर मेरे कुछ एनिमल्स चुरा लिए हैं। एडन उसके पैरों के निशान चेक करता है और देखता है कि ये एक वेलोसिप्रे नाम का मॉन्स्टर है। उनका पीछा करते हुए वो जंगल में आता है और थोड़ा ढूंढने के बाद फाइनली उसे वो मॉन्स्टर मिल जाता है। एडन उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन एक हंटर के मुकाबले उसकी स्किल्स बहुत ही कमजोर थी और इसी वजह से वो उस मॉन्स्टर का सामना नहीं कर पाता। ऐसा लगता है जैसे वो मॉन्स्टर उसे जान से मार डालेगा, लेकिन तभी एक असली हंटर जूलियस वहाँ आता है और मॉन्स्टर को मार कर एडन को बचा लेता है। एडन एक रियल हंटर को वहाँ देखकर बहुत खुश होता है और उसे बताता है कि कैसे वो भी हंटर गिल्ड को ज्वाइन करना चाहता है, लेकिन जूलियस उसे समझाता है कि ये बहुत ही जिम्मेदारी वाला काम है और बिना लाइसेंस तुम मॉन्स्टर का शिकार नहीं कर सकते। फिर वो वापस गांव की ओर जाने लगते हैं, जहाँ एडन जूलियस को अपने किस्से सुनाता है कि कैसे वो मॉन्स्टर्स को रोकने में गांव वालों की मदद करता है और आज भी इस मॉन्स्टर को उसी ने ढूंढा था। तब जूलियस उसे बताता है कि जिन निशानों का वो पीछा कर रहा था वो असल में नकली थे और ये एक नॉक्स नाम की बोलने वाली कैट ने बनाए हैं। एडन को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है और जूलियस को गांव में छोड़कर वो जंगल में उस कैट को ढूंढने निकल जाता है जो पास ही एक गुफा में आराम कर रही थी। एडन को बाहर वो लकड़ी दिखाई देती है जिससे नॉक्स ने वो नकली निशान बनाए थे, और वो गुस्से में उसे मारने लगता है। यही उसे नॉक्स की चुराई एक बुक नजर आती है और वो उसे और नॉक्स को लेकर गांव में आ जाता है जहां जूलियस गांव की मुखिया से बात कर रहा है। जूलियस उन्हें बताता है कि उनका गांव एक एल्डर ड्रैगन के रास्ते में पड़ता है जो दुनिया के सबसे पुराने और खतरनाक मॉन्स्टर्स हैं, और इनसे ऐसी एनर्जी निकलती है जो आसपास के इकोसिस्टम को पूरी तरह बदल सकती है। ये ड्रैगन वैसे तो ज्यादातर एक ही जगह रहते हैं, लेकिन माइग्रेशन के टाइम पर ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं और अपने रास्ते में आने वाली हर जगह को तबाह कर देते हैं। कोई नहीं जानता कि ये इस तरह क्यों करते हैं, और पिछले कुछ टाइम से इनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है। हंटर गिल्ड को पता चला है कि इस पर सारे एल्डर ड्रैगन एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं, और इसी कारण का पता लगाने गिल्ड ने जूलियस को यहाँ भेजा है। जूलियस उन्हें तुरंत वो गांव खाली करने को कहता है, लेकिन गांव वाले उसकी बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं करते और कहते हैं कि हम इस तरह अपने घर को छोड़कर नहीं जा सकते। तब एडन उन्हें समझाता है कि वैसे तो मुझे जूलियस पर पूरा भरोसा है, लेकिन आप लोगों की शांति के लिए मैं एक बार खुद उस खतरे को चेक करने जाऊंगा, और अगर ये बात सच निकली तो हम लोग तुरंत इस गांव को खाली कर देंगे। गांव वाले भी एडन की बात को मान जाते हैं और जूलियस उसे और नॉक्स को लेकर आगे बढ़ता है। रास्ते में वो उसे गिल्ड के मिशन के बारे में बताता है कि कैसे वो इंसान और मॉन्स्टर के बीच एक बैलेंस बनाना चाहते हैं ताकि कोई एक दूसरे के काम में रुकावट ना बने। एडन उसकी बात और हथियारों से बहुत इम्प्रेस होता है, और तब जूलियस उसे कुछ बेसिक ट्रेनिंग देता है और साथ ही हंटर्स के लिए बनाए एक आर्मर भी देता है। तभी कुछ आवाज सुनकर वो चौंक जाते हैं और देखते हैं कि हजारों जानवर भागते हुए इधर ही आ रहे हैं। जूलियस समझ जाता है कि ये सब एल्डर ड्रैगन से डर कर भाग रहे हैं, और बचने के लिए वो एडन को एक पेड़ पर ले जाता है। वो देखते हैं कि जिस रास्ते से ड्रैगन आ रहा है वहाँ हर तरफ तबाही मची हुई है, और तभी उन्हें वो एल्डर ड्रैगन नजर आता है।
जूलियस उसे वापस जाकर गांव को खाली कराने को कहता है और बताता है कि मुझे जाकर दूसरे गांव को सावधान करना होगा। लेकिन एडन तो कुछ और ही प्लान कर रहा था। वो इस मॉन्स्टर से लड़कर इसका रास्ता बदलना चाहता है ताकि अपने साथ साथ बाकी के गाँव को भी बचा सके। लेकिन जूलियस को लगता है कि ये तो सरासर पागलपन है और वो एल्डर ड्रैगन का सामना नहीं कर पाएंगे। तब एडन उसे हंटर गिल्ड के उसूलों की याद दिलाता है कि कैसे उन्होंने मानवता की रक्षा करने की कसम खाई है और अगर वो ऐसा नहीं करते तो इंसान और मॉन्स्टर के बीच का बैलेंस खत्म हो जाएगा। जूलियस उसे पूछता है कि आखिर तुमने ये सब कहां से सीख लिया, और इस पर एडन उसे नॉक से मिली वो डायरी दिखाता है। जूलियस देखता है कि ये तो किसी हंटर की डायरी है और फिर कुछ सोचकर वो एक फ्लेयर गन चलाता है ताकि आसपास वाले दूसरे हंटर्स भी उनकी मदद करने आ सके। फिर वो नॉक से उस डायरी के मालिक तक पहुंचाने को कहता है जिसके बदले वो उसे आजाद कर देंगे, और नॉक भी उनकी बात मान जाता है। आगे चलते हुए वो एक घने जंगल में आते हैं जहां हर तरफ जाले लगे हुए हैं, और जूलियस कहता है कि ये जरूर स्पाइडर मॉन्स्टर का काम है और हमें उससे सावधान रहना होगा। वो बात कर ही रहे थे कि तभी वो स्पाइडर मॉन्स्टर उन पर अटैक कर देती है और वो देखते हैं कि मे नाम की एक हंटर उनकी मदद करने आई है। वो मॉन्स्टर को अपने पीछे लगाकर उनसे दूर ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन उसका ये प्लान फेल हो जाता है और स्पाइडर मॉन्स्टर एडन को पकड़ लेती है और उसे अपने साथ घसीटने लगती है। जूलियस और नॉक्स उस मॉन्स्टर का ध्यान भटकाने लगते हैं और मे अपने बीटल की मदद से एडन को छुड़ा लेती है। वो मॉन्स्टर एक बार फिर उन पर अटैक करने आता है, लेकिन मे इस बार अपनी स्टिक से उसे मार डालती है। पता चलता है कि वो डायरी जो नॉक्स ने चुराई थी वो असल में मे की ही थी, और वो उसे वापस पाकर बहुत खुश होती है। यहाँ उनकी नज़र जाल में फंसे एक और आदमी पर जाती है, लेकिन वो देखते हैं कि एक गन शॉट ने उसे पेट से नीचे गिरा दिया है, और पता चलता है कि ये उनकी दूसरी साथी नादिया है जो जूलियस की फ्लेयर गन देखकर यहाँ आई है। जूलियस उन्हें ड्रैगन को रोकने के अपने प्लान के बारे में बताता है, लेकिन नादिया कहती है कि इसके लिए हमें और बड़े और अच्छे हथियारों की जरूरत पड़ेगी। तभी वो जाल वाला आदमी उन्हें बताता है कि पास ही में एक ब्लैक स्मिथ रावी की शॉप है जो मेटल से अलग अलग चीजें बनाता है, और वो हथियार बनाने में तुम्हारी मदद कर सकता है। ये सुनकर वो सब रावी से मिलने जाते हैं, लेकिन वो उनकी कोई भी मदद करने से मना कर देता है और कहता है कि एल्डर ड्रैगन से जीतने का कोई चांस नहीं है। जूलियस वहाँ टंगे उसके आर्मर को देखता है और समझ जाता है कि ये भी उनके तरह एक पुराना हंटर है, लेकिन रावी कहता है कि मैं तो वो सब कुछ भूल चुका हूँ। आगे हम उन्हें गांव में वापस आते हुए देखते हैं, जहाँ एडन सबको ड्रैगन से लड़ने के प्लान के बारे में बताता है और कहता है कि इसमें ये हंटर हमारी मदद करने वाले हैं। वो लोग प्लान बनाते हैं कि हमें गांव के बाहर एक ट्रैप तैयार करना होगा ताकि ड्रैगन को उसमें फंसाकर उसका काम तमाम कर सके। जूलियस नादिया को बताता है कि इसके लिए हमें कुछ चीजें चाहिए होंगी जो सिर्फ मॉन्स्टर्स को मारकर मिल सकती हैं, और इनके बिना उस ड्रैगन को नहीं रोका जा सकता। अगले दिन वो ऐसे ही एक मॉन्स्टर का शिकार करने जाते हैं जिसकी पूंछ पर एक येलो मशरूम लगा हुआ है, और जूलियस उन्हें बताता है कि इस मशरूम से किसी को भी पैरालाइज किया जा सकता है और इसका यूज वो एल्डर ड्रैगन पर करना चाहते हैं। वो लोग किसी तरह उसे काबू करते हैं, लेकिन नेडन की गलती से वो छूट जाता है, और ये देखकर जूलियस सबको वहाँ से निकलने को बोलता है। लेकिन नेडन अपनी गलती को सुधारना चाहता था, और जूलियस को इग्नोर करके वो अकेले ही उस मॉन्स्टर से लड़ने लगता है। मे उसकी मदद करने की सोचती है, लेकिन मॉन्स्टर अपनी गैस से उसे पैरालाइज कर देता है। तभी अचानक वहाँ एक और मॉन्स्टर आ जाता है और उसमें और पहले वाले मॉन्स्टर में लड़ाई शुरू हो जाती है। वो लोग किसी तरह मे को वहाँ से बाहर निकालते हैं और देखते हैं कि मशरूम वाला मॉन्स्टर मारा गया है। जूलियस भी मौका देखकर उस बड़े मॉन्स्टर से भिड़ जाता है और बाकी हंटर्स की मदद से जल्दी ही उसे मार डालता है। वो एडन से बहुत नाराज होता है कि उसकी वजह से सबकी जान खतरे में आ गई थी, और वो अब इस मिशन का हिस्सा नहीं बनना चाहता, और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। एडन मे और नॉक्स को लेकर वापस गांव में आता है, और उधर नादिया जूलियस को मनाने जाती है। वो उसे समझाती है कि तुम भी पहले एडन की तरह बहुत गलतियां करते थे, लेकिन धीरे धीरे तुमने खुद को परफेक्ट बना लिया, और इसी तरह एडन को भी हमें एक और चांस देना चाहिए। जूलियस भी उसकी बात समझ जाता है और गांव वापस आकर एडन से फिर से दोस्ती कर लेता है। तभी वो देखते हैं कि रावी भी वहाँ उनकी मदद करने आया है, और वो अपनी स्किल से एक बड़ा सा हथियार बनाता है ताकि उस ड्रैगन को रोका जा सके। रात को हंटर्स के लिए एक पार्टी रखी जाती है, जहाँ एडन मे को बताता है कि उसके पेरेंट्स को भी कुछ मॉन्स्टर ने ही मारा था, और वो एक हंटर बनकर उनसे बदला लेना चाहता है।
इधर जूलियस भी रावी का शुक्रिया अदा करता है कि उसके बिना वो ये सब प्लान नहीं कर पाते। वो बात कर ही रहे थे कि तभी उन्हें चिल्लाने की आवाजें आती हैं और जाकर देखने पर पता चलता है कि वो ड्रैगन उनके काफी पास आ पहुंचा है। वो अपने हथियार निकालकर उसके सामने आ जाते हैं ताकि उसके रास्ते को चेंज कर सके, लेकिन ड्रैगन अपना रास्ता बदलने को बिल्कुल तैयार नहीं होता। फिर वो उसे पत्थरों से कुचलने का प्लान करते हैं, लेकिन देखते हैं कि वो अचानक से उड़ने लग गया है और तब नादिया अपनी गन से उस पर फायर करने लगती है, जिससे वो ड्रैगन नीचे गिर पड़ता है। तभी ड्रैगन की नजर एडन पर पड़ती है और वो उसे पकड़कर मारने की कोशिश करता है, लेकिन नादिया एंड टाइम पर आकर उसे बचा लेती है। एक एक करके वो सब लोग उससे लड़ने लगते हैं और जूलियस एडन को अपने अगले प्लान पे काम करने को बोलता है। एडन भागकर रावी की बनाई हुई मशीन तक जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो उसे यूज कर सके, ड्रैगन अपनी आंख से उसे नष्ट कर देता है। बाकी लोग रस्सियों से बांधकर उसे रोकने की कोशिश करते हैं और मैं एडन की मदद से उस मशीन को ठीक करने लगती है, लेकिन जल्दी ही वो ड्रैगन आजाद हो जाता है और वो देखते हैं कि रावी अकेले ही उसका मुकाबला करने गया है। जूलियस उससे पीछे हटने को कहता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और ड्रैगन अपनी आंख से रावी को मार डालता है। तभी एडन उस मशीन को फायर करता है और वो देखते हैं कि उसके लगते ही ड्रैगन नीचे गिर गया है, जिसके शरीर में कोई हलचल नहीं है। सब लोग ये देखकर बहुत खुश होते हैं कि फाइनली उन्होंने एल्डर ड्रैगन को मार डाला है और हंटर्स भी एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन उनकी ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाती क्योंकि वो ड्रैगन एक बार फिर उठ खड़ा होता है। जूलियस सबको अपनी पूरी ताकत लगाने को बोलता है ताकि उसे गांव पहुंचने से रोका जा सके। तब एडन जूलियस से कहता है कि मेरे पास एक अमेजिंग प्लान है और बिना कुछ बताए वहां से भाग जाता है। रास्ते में वो नोक से गांव को खाली कराने को बोलता है और उधर हंटर्स मिलकर उस ड्रैगन को रोकने की कोशिश करते हैं। मैं भी गांव को खाली कराने आती है, लेकिन तभी वो ड्रैगन उस पर अटैक कर देता है और अकेली होने के कारण मैं मारी जाती है। फिर वो ड्रैगन बाकी हंटर्स की ओर मुड़ता है और इससे पूरे गांव में तबाही फैल जाती है। उधर एडन भी अपनी चाल चलता है और बारूद से गांव के पास बने डैम को उड़ा देता है, जिससे हजारों गैलन पानी गांव की तरफ बढ़ने लगता है। इधर वो ड्रैगन जूलियस और नादिया को मारने ही वाला था, लेकिन तभी वो पानी उसे बहाकर वहां से दूर ले जाता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि उन्होंने रावी और मे के लिए एक मेमोरियल बनाया है और फिर जूलियस और नादिया वापस हंटर गिल्ड जाने लगते हैं। एडन भी उनके साथ चलने की जिद करता है और कहता है कि अब वो एक हंटर बनने के लिए पूरी तरह से तैयार है। जूलियस भी कुछ सोच कर उसे अपने साथ ले जाता है और यहाँ से वापस हम पहले सीन पर आ जाते हैं, जहाँ एडन बाकियों को अपनी स्टोरी सुना रहा था। उन हंटर्स को उसकी बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं होता और तब वो वहाँ बैठी एक हंटर को मे की डायरी दिखाता है, जिससे उसे एडन की कहानी की सच्चाई पता चलती है। एंड सीन में हम देखते हैं कि एडन और उसके साथ ही अगले मॉन्स्टर को पकड़ने जा रहे हैं और इसी के साथ हमारी ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो प्लीज हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।